हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स। हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स उत्तर भारत में पुलवराइजर स्थापित करने वाले प्रारंभिक संगठनों में से एक है। सन 1974 अपनी स्थापना के समय से ही यह बढ़िया उत्पाद प्रदान कर न सिर्फ किसानों की समस्याओं का हल करती आ रही है, बल्कि इसके साथ ही यह किसानों को एक बेहतर जीवन एवं उनके जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ रही है। एचपीएम का मुख्य उद्देश्य बिना किसी समस्याओं का सामना किए नए विकासों द्वारा किसानों का विकास करना बन चुका है। 100 से भी अधिक कृषि रसायन उपलब्ध करवाने वाली एचपीएम किसानों के दिल में एक विशेष स्थान बना चुकी है। इसी विश्वास के कारण भारतवर्ष में प्रति मिनट 100 किसान एचपीएम के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। अपनी सफलता के 30 वर्षों के पूरा होने पर एचपीएम 100 करोड़ से भी अधिक का व्यापार करने वाला संगठन बन चुका है। केवल इतना ही नहीं, इसने बाकी कृषि रसायन संगठनों के लिए भी एक अनूठी छाप छोड़ी है। संगठन के पास अपना अंतरदेशीय अनुसंधान एवं अन्वेषण केंद्र है, जो कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद एवं उत्पादों की एक बड़ी रेंज उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। एचपीएम का अनुसंधान एवं अन्वेषण केंद्र, जो कि खुशखेड़ा में है, संपूर्ण उत्तरी भारत में बढ़िया केंद्रों में से एक माना जाता है। संपूर्ण उत्पादन इकाई का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग गज है, जिसमें 4,000 वर्ग गज का क्षेत्र खुला एवं हरा भरा है, जो कि इसके वातावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाए रखने में सहयोगी है। एचपीएम के पास एक बढ़िया एवं संगठित ढांचा, 24 घंटे 7 दिन चलते रहने की योग्यता, कार्बोफ्योरान एवं WDP जैसे उच्च तकनीकी प्लांट होने के साथ साथ अनुभवी प्रबंधकों, कुशल कर्मचारियों एवं उच्च कोटि के वैज्ञानिकों का भी साथ है। अपने उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण ही एचपीएम ने एक उच्च कोटि का निर्माण प्लांट स्थापित किया है, जो कि सांभा जम्मू में है। एचपीएम के दोनों प्लांट खुशखेड़ा एवं सांभा एवं इसके विशाल नेटवर्क ने एक विलक्षण शक्ति का रूप ले लिया है। एचपीएम का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका है, जिसमें पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। एचपीएम की संगठन पहचान सुखिया किसानों का विश्वास पात्र बन चुका है। सुखिया, जो कि हमेशा भविष्य की तरफ देखता है, सुनहरी फसलें देने के लिए वचनबद्ध है। ये हमेशा से ही किसानों की मुश्किलों का समाधान करने एवं उन्हें उच्च कोटि के रसायन देने में सक्षम रहा है। धान मुख्य तौर पर बोई जाने वाली मुख्य आहार फसलों में से एक है। धान की खेती करना उतना आसान नहीं जितना आसान इससे बने उत्पादों का प्रयोग करना है। धान की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान को कई मुश्किलों एवं पड़ावों से गुजरना पड़ता है। धान लगाने से लेकर उसके मंडीकरण तक किसानों को इसकी सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। धान की बढ़िया फसल के लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्थाओं से ही बढ़िया गुणवत्ता के उत्पादों का प्रयोग किया जाए। सबसे पहले अच्छी फसल और फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए यह आवश्यक है कि फफूंद नाशक एवं बैक्टीरिया नाशक दवाओं से शोधित किए बीजों का प्रयोग किया जाए। फफूंद बीमारियों से बीजों को संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए एचपीएम किसानों के लिए लेकर आए हैं हिटास्टिन। हिटास्टिन एक उच्च गुणवत्ता की फफूंद नाशक दवाई है। हिटास्टिन का प्रयोग प्रति किलो बीज के लिए 3 ग्राम के हिसाब से करना चाहिए। हिटास्टिन फफूंद को दूर करने के साथ साथ बाकी सभी अशुद्धियों को भी बाहर निकालता है। पानी की सतह पर आने के बाद इन अशुद्धियों को बड़ी आसानी के साथ हाथ से निकाला जा सकता है। अच्छे बीजों के उपयोग के बाद फसल का अच्छा होना सदैव अपेक्षित होता है, परंतु धान की फसल को अपनी पनीरी की अवस्था से ही खरपतवारों, कीड़ों एवं बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो कि समय समय पर उत्पादन एवं गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन खरपतवारों, कीड़ों एवं बीमारियों की श्रृंखला में ये सब उपज को नुकसान पहुंचाने के लिए एक से बढ़कर एक है। धान की अच्छी फसल के लिए एचपीएम के सुरक्षा चक्र की अगली कड़ी है डॉलर। जो डॉलर अपनाए वो डॉलर कमाए। डॉलर एक रस में रचकर असर करने वाला कीटनाशक है। यह फसल को गोब की सुंडी से
लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। डॉलर एक उच्चतम गुणवत्ता का कीटनाशक है जो काफी लंबे समय तक असरदार रहता है, इसलिए यह गोब की सुंडी को पूरी तरह से खत्म करने और उसे धान से दूर रखने में प्रभावी है। डॉलर के प्रयोग का तरीका बड़ा ही आसान है। पौध को मुख्य खेत में लगाने से एक सप्ताह पहले 1 किलो डॉलर को प्रति कनाल के हिसाब से छिड़क देना चाहिए। यह छिड़काव खड़े पानी में देना चाहिए। डॉलर जो गोब की सुंडी का करे नाश, जो डॉलर अपनाए वो डॉलर कमाए। इसके बाद स्वस्थ पनीरी का रोपण खेत में किया जाता है। एक स्वस्थ पनीरी को मुख्य खेत में लगाते समय ये आवश्यक है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। धान की फसल को खेत में लगाने के पहले ही पड़ाव से इसके सामने आने वाली कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए फसल का ध्यान रखना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि एक नन्हे शिशु का। धान की फसल के आड़े आने वाली समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार, यानी कि नदी। खरपतवार मुख्य फसल का आहार खींचकर उसे कमजोर करते हैं। इनमें से मुख्य तौर पर पाए जाने वाले खरपतवार हैं स्वांक, स्वांकी, डीला एवं छतरी वाला मोथा। परंतु किसानों की इस समस्या का निदान करने के लिए हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स लेकर आए हैं 2 प्रभावशाली खरपतवार नाशक, हंटर एवं हाईफिट। खरपतवार से छुट्टी। हंटर एवं हाईफिट का प्रयोग पनीरी लगाने के 4 दिनों के अंदर कर लेना चाहिए। इनका प्रयोग 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहले तरीके अनुसार 1200 मिलीलीटर हंटर का प्रयोग 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके किया जा सकता है। हाईफिट का प्रयोग 0.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। दूसरे तरीके अनुसार हंटर एवं हाईफिट का प्रयोग 10 किलो मिट्टी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से भी किया जा सकता है। हंटर हाईफिट, खरपतवार से छुट्टी। धान की फसल में पानी का प्रबंध बहुत ही महत्व रखता है। अगर फसल को पानी सही एवं पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो कोई परेशानी नहीं होती, परंतु अगर पानी के प्रबंध में चूक हो जाए तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार पानी का स्तर कम होने के कारण पौधे पीले पड़ने लगते हैं एवं पौध बीमार सी दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में फसल को दीमक लग जाता है, जो कि काफी हानिकारक सिद्ध होता है। किसानों को होने वाली इस हानि से बचाने के लिए HPM लेकर आया है वरदान। वरदान करे प्रदान स्वस्थ एवं सुरक्षित धान। वरदान के प्रयोग का ढंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले 4 से 5 किलो मिट्टी में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वरदान को अच्छे से मिला लें। उसके पश्चात इस मिश्रण का छींटा खड़े पानी में दें। वरदान दीमक से फसलों को छुटकारा दिलाता है, धान की गुणवत्ता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। वरदान, वरदान करे प्रदान स्वस्थ एवं सुरक्षित धान। इन सब समस्याओं का सामना करने के लिए फसल को HPM एक मजबूत सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। धान न सिर्फ भारत में बल्कि संसार के कई देशों में उगाए जाने वाली फसल है। जिस प्रकार मनुष्य अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कई प्रकार की ताकतवर दवाइयों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार फसलों के स्वास्थ्य एवं उनकी वृद्धि को नियमित बनाए रखने के लिए कुछ खास दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ताकि धान के उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, इसलिए HPM पेश करते हैं हिटकुलान, अधिक उत्पादन स्वस्थ धान। हिटकुलान का प्रयोग धान की फसल में 10 से 15 दिनों के अंदर कर देना चाहिए। हिटकुलान पौधों के लिए टॉनिक जैसा कार्य करता है। यह धान की फसल के जड़ के विकास, तने के विकास एवं पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसके साथ ही हिटकुलान किसान के सामने आने वाली मंडीकरण की समस्या का भी समाधान करता है, क्योंकि उत्पादन के बढ़िया होने के कारण वह चिंता मुक्त होता है। हिटकुलान का प्रयोग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 15 दिनों की आयु में ही कर देना चाहिए। हिटकुलान, अधिक उत्पादन स्वस्थ धान।
धान की समस्याएं इस अवस्था में और भी बढ़ जाती हैं। धान की अच्छी फसल के लिए यह जरूरी है कि इसका ख्याल आरंभिक अवस्थाओं से ही रखना शुरू कर दिया जाए। हर फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा तत्व है मौसम। जब धान की फसल 30 से 35 दिनों की आयु के पड़ाव से गुजर रही होती है, उस समय मौसम के अनुकूल होते ही धान पर जो सबसे पहले हमला करती है वो है गोब की सुंडी। गोब की सुंडी धान की फसल को नष्ट कर देती है। इससे निपटारा करने के लिए ये जरूरी है कि किसान उन उत्पादों का प्रयोग करे जो आधुनिक तकनीकों से बने हैं एवं अधिक प्रभावशाली हैं। HPM के पास किसानों की इस समस्या का हल है। HPM के दो रक्षक डॉलर एवं हिटाटॉक्स। डॉलर, जो डॉलर अपनाए वो डॉलर कमाए। डॉलर एक अंतर प्रवाही कीटनाशक है जिसका प्रभाव फसलों पर काफी लंबे समय तक रहता है। डॉलर एक ऐसा कीटनाशक है जो अधिक समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। डॉलर मनुष्य एवं वातावरण के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। आम कीटनाशकों के मुकाबले डॉलर लंबी सुरक्षा प्रदान करता है। डॉलर मित्र कीड़ों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। डॉलर आधुनिक तकनीकों से बना कीटनाशक है। इसका प्रयोग धान की उपज के 30 दिनों का होने पर एवं गोब की सुंडी के हमला होने से पहले करना चाहिए। इसका प्रयोग करने के लिए 7.5 किलो डॉलर को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में एक सार छींटा देना चाहिए। ये आवश्यक है कि उन दिनों में खेत में उचित मात्रा में पानी खड़ा रहे। डॉलर, जो डॉलर अपनाए वो डॉलर कमाए। HPM का दूसरा रक्षक है हिटाटॉक्स। हिटाटॉक्स यानी कि गोब की सुंडी पर रोक। हिटाटॉक्स गोब की सुंडी को मारने के लिए एक प्रभावशाली कीटनाशक है। हिटाटॉक्स का प्रयोग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर करना चाहिए। हिटाटॉक्स लंबे समय तक असर करने वाला कीटनाशक है। हिटाटॉक्स गोब की सुंडी पर रोक। जैसे जैसे धान की फसल बढ़ती है उसी तरह उसके सामने आने वाली समस्याएं भी बढ़ती जाती है। गोब की सुंडी के हमले से बचने के बाद धान को सामना करना पड़ता है पत्ता लपेट सुंडी का। और इस हमले से बचाने के लिए HPM के पास है टर्मिनेटर एवं नॉकडाउन। पत्ता लपेट सुंडी का पूरी तरह सफाया। टर्मिनेटर पत्ता लपेट सुंडी को स्पर्श क्रिया से मारता है। टर्मिनेटर बाकी कीटनाशकों से अधिक लंबी सुरक्षा प्रदान करता है। टर्मिनेटर के छिड़काव के लिए इसे 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाएं। घोल को अच्छी तरह हिला लें। ध्यान रखें कि घोल को हिलाने के लिए हमेशा लकड़ी का प्रयोग करें। और अब इस तैयार घोल का छिड़काव करें। टर्मिनेटर की शक्ति, पत्ता लपेट सुंडी से मुक्ति। नॉकडाउन, पत्ता लपेट सुंडी अब नहीं। नॉकडाउन लैम्बडा साई हैलोथ्रिन 2.5% ईसी पर आधारित एक तुरंत असर करने वाला कीटनाशक है। नॉकडाउन धान के लिए एक सर्वोत्तम कीटनाशक है। नॉकडाउन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है जिससे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। नॉकडाउन दूसरे कीटनाशकों के मुकाबले में कम मात्रा में प्रयोग होकर भी अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। नॉकडाउन का प्रयोग 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। नॉकडाउन पत्ता लपेट सुंडी अब नहीं। खरपतवारों एवं कीड़ों के हमलों के बाद भी सुरक्षित दिखने वाली धान की फसल अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं, क्योंकि इसके बाद भी बीमारियां धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तैयार रहती हैं। इन बीमारियों में से सबसे पहली बीमारी है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट के कारण धान की गुणवत्ता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे उन्हें फसल के मंडीकरण के समय कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स यानी HPM के पास इस समस्या का भी हल है और वो है हेक्साहिट। हेक्साहिट धान की बीमारियों से छुटकारा हेक्साहिट के बिना नहीं गुजारा। हेक्साहिट पौधों में जल्दी समाकर बीमारियों से अंदरूनी सुरक्षा प्रदान करता है। हेक्साहिट का प्रयोग 150 से 200 लीटर पानी में 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर करना चाहिए।
खरीफ की मुख्य फसल धान। धान की आयु जब 55 से 60 दिनों की होती है, कई बार तने पर भूरा रंग आना शुरू हो जाता है। ये भूरा रंग कुछ और नहीं बल्कि हानिकारक झुलस रोग की निशानी होती है। झुलस रोग, जिसे ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस रोग के कारण फसल के दाने छोटे हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। झुलस रोग पत्तों के झुलसने का कारण बनता है एवं किसानों की इतने दिनों से की गई मेहनत पानी में मिल जाती है। इस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए एचपीएम लेकर आया है बिंदास। बिंदास का किया उपयोग खत्म हुआ झुलस रोग। बिंदास पौधे के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर झुलस रोग का नाश करता है। यह पूरी तरह से मनुष्य एवं वातावरण के लिए सुरक्षित है। बिंदास का 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। बिंदास कम मात्रा में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। बिंदास, बिंदास का किया उपयोग खत्म हुआ झुलस रोग। भूरे रंग की तरह ही कई बार फसल पर पीले रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। इसे झूठी कांगियारी के नाम से भी जाना जाता है। झूठी कांगियारी वास्तव में दाना न बनकर छिलके में मिट्टी की गोली बनना होता है। यह दिखने में तो दाने जैसा है, परंतु वास्तविकता में यह दाना नहीं बनता। किसान कई वर्षों से इनके लिए कई प्रकार के उत्पादों का प्रयोग करता आ रहा है, परंतु इसका हल नहीं कर पाया। इसलिए यह जरूरी है कि अब ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए जो झूठी कांगियारी से किसानों को राहत दिला सके। इसलिए एचपीएम पेश करता है हाई कॉपर। हाई कॉपर का प्रयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए 200 लीटर पानी में 500 ग्राम हाई कॉपर को मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। धान की फसल की आयु जब 70 से 80 दिनों की होती है, यह समय तकरीबन सितंबर का महीना होता है। इस वक्त धान की फसल को एक और बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर, यानी कि भूरी पीठ वाला टिड्डा। ब्राउन प्लांट हॉपर तने पर पानी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ये रस चूसक कीड़े पौधे का रस चूसकर उसे निराधार एवं कमजोर कर देते हैं। इस कीड़े का हमला बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स ने बीड़ा उठाया किसान को इस परेशानी से निजात दिलाने का। और सामने आए कॉन्फिडेंट एवं सेवन स्टार। हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स के उच्चतम रस चूसक कीटनाशक कॉन्फिडेंट रस चूसक कीड़ों का अंत। हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स का उच्चतम रस चूसक कीटनाशक कॉन्फिडेंट कम समय में बहुत तेजी से असर डालता है तथा हॉपर को खत्म करता है। कॉन्फिडेंट एक अनोखा आधुनिक एवं अचूक कीटनाशक है जो कि इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व पर आधारित है। कॉन्फिडेंट एक बहु उपयोगी कीटनाशक है जो धान के अतिरिक्त कपास, गन्ने एवं सब्जियों के हानिकारक कीटों को भी प्रभावित करता है। कॉन्फिडेंट कीटों को जल्द नियंत्रित कर फसल को 10 से 15 दिनों तक पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। कॉन्फिडेंट की मात्रा बाकी कीटनाशकों की अपेक्षा कर बहुत ही कम होती है। कॉन्फिडेंट पौधों को हरियाली भी प्रदान करता है। कॉन्फिडेंट समन्वित कीट प्रबंधन के अंतर्गत एक आदर्श कीटनाशक है। धान के रस चूसक कीड़ों सफेद पीठ वाला टिड्डा, जैसे कि भूरी पीठ वाला टिड्डा एवं हरे तेले के लिए 40 से 50 मिलीलीटर कॉन्फिडेंट का प्रयोग 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। सेवन स्टार। सेवन स्टार छिड़काव के बाद आसानी से फैलकर छिपे हुए कीटों को मारने में सक्षम है। सेवन स्टार के संपर्क में आते ही कीड़े रस चूसना बंद कर देते हैं और मर जाते हैं। सेवन स्टार छिड़काव के शीघ्र बाद 15 से 20 मिनट में ही अपना कार्य कर देता है, जिससे फसल को तुरंत सुरक्षा मिलती है और बारिश से धुलने का खतरा भी कम हो जाता है। सेवन स्टार का प्रयोग पौधों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। सेवन स्टार का प्रयोग धान की फसल में 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बाली या मुंजर निकलते समय से ही करें। फसलों पर स्प्रे करते समय कुछ सावधानियों का विशेष कर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि घोल को साफ सुथरे पानी में बनाना चाहिए। छिड़काव करते समय दस्ताने, चश्मे एवं चेहरे पर मास्क पहने। छिड़काव के समय कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए।
छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों एवं शरीर को साबुन से साफ करें। खाली बोतल को तोड़कर जमीन में दफनाएं। प्रयोग की गई बोतल को दोबारा इस्तेमाल में न लाएं। हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स लाया है धान की समस्याओं का हल। हिटास्टिंग 3 ग्राम प्रति किलो बीज शोधन के लिए, हंटर 1200 मिलीलीटर प्रति एकड़, हाई फिट आधा लीटर प्रति एकड़, खरपतवार का करे काम तमाम, वरदान 1 लीटर प्रति एकड़, दीमक की रोकथाम, हिटकुलान 5 किलो प्रति एकड़, हिटकुलान स्वस्थ धान, डॉलर 7.5 किलो प्रति एकड़, गोब की सुंडी का सफाया, जो डॉलर अपनाए वो डॉलर कमाए, हिटाटॉक्स 10 किलो प्रति एकड़ गोब की सुंडी पर रोक, नॉकडाउन 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ पत्ता लपेट सुंडी अब नहीं, 7 स्टार 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ रस चूसक कीड़ों का अंत, टर्मिनेटर 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ पत्ता लपेट सुंडी खत्म, हेक्साहिट 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ बीमारियां गुल, बिंदास 120 ग्राम प्रति एकड़ जुलसरोग सर्वनाश, कॉन्फिडेंट 40 से 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ रस चूसक कीड़ों का अंत, हाई कॉपर 500 ग्राम प्रति एकड़ झूठी कांग्यारी की समस्या का हल। हिंदुस्तान पुलवराइजिंग मिल्स, सुखिया का निशान गुणवत्ता की पहचान।